वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज बी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ में उनके माता पिता के संबंध खराब हो जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये किस ग्रह का खेल होता है, किसकी वजह से इंसान का रिश्ता खराब हो जाता है और जो है काफी ऊंचाई पर जाने के बाद में भी बच्चा अपने माँ बाप को पलट करके नहीं देखता है। इतना नहीं, इन ग्रहों के कारण कई बार दो लोगों का संबंध बेहद ही खास बन जाता है और कई बार ग्रह के खेल के कारण खास संबंध भी बिगड़ जाता है। असल में हर ग्रह का अपने गुण होता है, अपने गुण के अनुसार वह जातकों के साथ व्यवहार करता है। कई बार परिवार में ही आपस में लोगों की नहीं बनती है, पिता का पुत्र से और पुत्र का माता से, पति पत्नी का भाई बहन का आपस में मतभेद होते ही रहते हैं। इसके पीछे परिस्थितियां भी कारण होती हैं, परिस्थितियों का कारण होता है ग्रह। तो फिर चलिए आइए जानते हैं कि किन ग्रहों के कारण आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं और किसके कारण आपके आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं। पहला है सूर्य, पिता का रिश्ता। सूर्य ग्रह पिता से संबंधित होता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है तो पिता के साथ में पुत्र का संबंध या पुत्री का संबंध खराब हो जाता है, और अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो उसके साथ अच्छा संबंध हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के लिए पिता का सम्मान करने के साथ साथ उगते सूरज को जल अवश्य समर्पित करें और जल में कोई भी महकती चीज और लाल चंदन अवश्य डालें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और आपके रिश्ते भी। चंद्रमा, माता का रिश्ता। चंद्र ग्रह का संबंध माता के रिश्ते से होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा कमजोर होता है तो व्यक्ति ने अनुभव किया हुआ है कि कई बार किसी भी कारण से, मतलब अनायास ही आपकी माता के साथ में रिश्ते खराब हो जाते हैं। चंद्र को मजबूत करने के लिए रात के समय उसे टकटकी लगा कर देखना चाहिए, माता को रोज चरण छूने चाहिए, साथ ही देवी माता की उपासना करनी चाहिए। इससे आपके माता के साथ में जो रिश्ते खराब हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। मंगल ग्रह, भाई बहन का रिश्ता। मंगल ग्रह भाई बहन के रिश्ते को मधुर या कड़वा बनाने में जिम्मेदार होता है। यदि मंगल ग्रह मजबूत कर लें तो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही मधुर हो जाता है। मंगल ग्रह मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के मंदिर में रोज जाना, उनको चोला चढ़ाना। आइए जानते हैं बुध ग्रह, ननिहाल का रिश्ता। नाना नानी और ननिहाल पक्ष के संबंध कैसे होंगे यह बुध ग्रह तय करता है। यदि बुध ग्रह मजबूत है तो ननिहाल आपके साथ में गहरा संबंध रखेगा, लेकिन अगर आपका बुध ग्रह सही नहीं चल रहा है तो आपका उनके साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए गणपति भगवान को लड्डू चढ़ाना चाहिए और उनके साथ में पूजा आरती करनी चाहिए, हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं कि वो आपके सारे विघ्नों को हर लेते हैं, तो आप गणेश पूजा जरूर करें। किसी भी पूजा से पहले बृहस्पति, दादा दादी या वृद्ध व्यक्ति के साथ उनका रिश्ता खराब हो जाता है। अगर आपका ये ग्रह खराब होता है तो दादा दादी के साथ में अगर आपकी मधुरता है तो भी बहुत कड़वाहट आ जाती है बिलावजह। बृहस्पति वार की पूजा के साथ साथ अगर आप पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो फिर आपका दादा दादी के साथ रिश्ता अच्छा होता है। उन्हें मिठाई और कपड़ा जरूर दें। शुक्र ग्रह, जीवन साथी का संबंध। शुक्र ग्रह जीवन साथी के संबंध के बनने बिगड़ने का कारण होता है। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाकर बिगड़े हुए रिश्ते को प्रेम से पनपाया जा सकता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। जो एक साथ मूर्ति हो उसकी पूजा करें, इससे आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और राधा कृष्ण की भी पूजा जरूर करें। शनि और राहु केतु सह सहयोगी के साथ रिश्ते खराब होने का कारण होता है। शनि और राहु केतु सह सहयोगी मतलब जो आपके साथ काम करता है, जो आपके दोस्त हैं, उनके बनते बिगड़ते रिश्तों का कारण यही तीन ग्रह होते हैं। इसके लिए सप्ताह में एक बार महासहयोगी को मिठाई जरूर खिलाएं। जो आपके साथ में काम करते हैं उनको मिठाई बांटें, कोई भी मीठी चीज़, आप चॉकलेट भी दे सकते हैं या फिर कोई मिठाई ला करके दे सकते हैं। इससे आपका ये ग्रह मजबूत हो जाएगा और आपके रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इनको ठीक करने के कोई विशेष उपाय क्या है। सूर्य ग्रह, सूर्य देवता की सुखता को बढ़ाने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं उनका सूर्य खराब होता है। रोज सुबह उठकर उन्हें स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से सूर्य संबंधित दोष दूर होते हैं और उनका शुभ फल आपको मिलता है। चलिए अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रदेव की सुखता पाने के लिए और उनसे जुड़े हुए उपायों को दूर करने के लिए घर में साफ सफाई का वातावरण रखना चाहिए। अपने आप को भी साफ रखना चाहिए, अपने आसपास भी काफी सफाई रखें, अपने जूते चप्पल को अस्त व्यस्त ना रखें, अच्छे से रहें।
तो ऐसा करने से आपका चंद्र जो ग्रह है वो ठीक होता है, चंद्र देवता की कृपा आपको मिलती है, और खीर का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए चंद्र ग्रह को अच्छा रखने के लिए। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह सेनापति है हमारे भोजन में, वह गुड़ का स्वरूप है, जबकि गेहूं सूर्य का प्रतीक है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए गेहूं के आटे का चूरमा गुड़ डालकर बनाना चाहिए और दूसरों को खिलाना चाहिए। आप चाहें तो मंदिर में भी इसको चढ़ा सकते हैं और वहां पर आए हुए लोगों में ये वितरण कर सकते हैं, इससे आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। बुध ग्रह, बुध का रंग हरा होता है, शारीरिक रूप से कमजोर और बौद्धिक रूप से जो कमजोर होता है उसमें बुध ग्रह की समस्या होती है, इसके लिए आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और साथ में ही धरती माता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह धरती का भी प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए तोते को चने की दाल खिलाने का उपाय काफी कारगर साबित होता है, क्योंकि तोता बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है, चने की दाल बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होती है, तो आप तोते को चने की दाल जरूर खिलाएं अगर आपका बृहस्पति कमजोर है, और अगर आप ब्राह्मण है तो जरूर खिलाए। शुक्र, जब शुक्र ग्रह जो होता है वो गेहूं का प्रतीक होता है और इसकी वजह से गुस्सा भी बहुत आता है, तो आप गाय को गेहूं जरूर खिलाए इसमें, तो आपको इससे राहत मिलेगी। शनि ग्रह, शनि न्याय के देवता होते हैं, श्रम के पुजारी होते हैं, ऐसे में यदि हम किसी भी मेहनत मजदूरी करने वाले को तन मन और धन से उचित सम्मान देते हैं, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। राहु, राहु छाया ग्रह है, जो भोज देने से बहुत जल्दी शांत होता है, ऐसे में यदि आप राहु से संबंधित व्यक्ति जैसे कि कुष्ठ रोगी, निर्धन व्यक्ति, सफाई कर्मचारी आदि को भोजन आदि देकर के प्रसन्न करते हैं तो आपका राहु बहुत मजबूत होता है, तो कुंडली में राहु को मजबूत करने के लिए आप ऐसा जरूर करें। केतु ग्रह, केतु ग्रह के दोष के कारण अक्सर व्यक्ति ब्रह्म का शिकार हो जाता है, जिससे के कारण तमाम परेशानियां उसे झेलनी पड़ती है। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना प्रारंभ कर दें। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो इससे आपका केतु जो है वो काफी मजबूत हो जाता है और आपको इससे मुक्ति मिल जाती है। तो आपके कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है आप जरूर बताइएगा। मैंने बताया भी कि क्या तरीका है जानने का कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है, और आप उसके उपाय जरूर कीजिएगा। आपको ये उपाय कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।